हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि कैसे हम लोग एक साल के लिए आम को स्टोर करके रखते हैं। तो देखिए, इसी तरीके से मैं कट कर रही हूँ आम को। तो पहले मैं कट करूँगी। हम लोग जिस तरीके से स्टोर करके रखते हैं एक साल के लिए आम को, उसी तरीके से मैं बता रही हूँ। तो देखिए, पहले मैं आम को कट करूँगी। मैंने आम को धुला नहीं है, तो आम इस तरीके से मैं काट के रख ली हूँ। अब मैं इसे धुलूंगी, खूब साफ पानी से इसे धुलना है। तो देखिए कितना गंदा पानी निकल रहा है। देखिए, अगर आप आम कट करके धुलेंगे तो इसी तरीके का पानी निकलेगा, और अखे आम को अगर धुल के फिर रख लेंगे तो वो अच्छा नहीं है। जब भी आपको आम को स्टोर करके रखना हो कि एक साल तक मेरा आम चले, जब दिल चाहे जब हम आम का अचार बना लें, तो आप इसी तरीके से धुल के साफ करके फिर रखें आम को। तो देखिए, मैं साफ़ कर ली हूँ और इसे मैं 1 घंटे के लिए धूप में फैला दूँगी। तो देखिए, 1 घंटे के लिए मैं धूप में इसे फैलाई हूँ और अच्छे तरीके से इसका पानी सूख चुका है। देखिए, ज़्यादा नहीं सूखा है आम, सिर्फ पानी ही सुखाना है इसका। आप चाहे तो पंखे के नीचे भी इसे फैला सकते हैं। तो अब देखिए, इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मैं 2 किलो आम है तो इसमें 6-7 चम्मच इसमें नमक मैं ऐड की हूँ। नमक से ही बहुत ही अच्छा हमारा ये आम सेफ रहेगा और ये ज़रा सा भी नहीं ख़राब होगा। तो इसी तरीके से हम लोग बना के रख लेते हैं इसको, और उसके बाद आप चाहे तो 2-4 दिन बाद भी इसकी अचार बना सकते हैं। चाहे तो 1 साल 2 साल तक रखेंगे फिर भी नहीं ख़राब होगा। इसमें मैं कुछ नहीं डाली हूँ, सिर्फ नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है और एक डिब्बे में रख देना है। तो देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है और मैं इसे अभी एक डब्बे में रखूँगी। आपके पास कांच का डब्बा है, मर्तबान जो आता है उसमें रख दें, नहीं तो आप प्लास्टिक के डब्बे में रख दें। इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं, तो आज मैं वही आप लोग को भी बता रही हूँ। तो जल्दी कीजिए, आम का सीजन अभी है, आप भी इसी तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं और जब दिल चाहे जब इसका अचार बनाएं खाएं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने नमक से कोट कर दिया है आम को। तो ये तरीका अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें। और देखिए, डब्बे में रख के थोड़ा सा 1 चम्मच नमक मैं इसमें और ऊपर से डाल दी हूँ। उसका ढक्कन लगा के इसको मैं रख दूँगी। धूप में रखें, छाँव में रखें, चाहे जहाँ भी रखें, ये ख़राब नहीं होने वाला है। आप जब दिल चाहे जब अचार बनाएं और खाएं। तो मिलेंगे आपको अपनी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।